तो भाई आप सबने एक फेमस लाइन जरूर सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी आपकी शुरुआत कैसे होती है किसी चीज की ये डिसाइड कर देता है बहुत हद तक कि उस चीज का अंत कैसे होने वाला है। इसलिए शुरुआत हमेशा जानदार और शानदार होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड होने वाली है हमारी आज की वीडियो, जहां हम देखने वाले हैं कि आईपीएल 2024 में जितनी भी टीमों का यहां पर निर्माण हुआ है, जो भी उनका स्क्वाड है, अगर उस स्क्वाड से हम उनकी बेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 यहां पर उठाएंगे तो सारी ही टीमों के जो ओपनर्स होंगे, जो टॉप टू प्लेयर्स होंगे, जो पारी की शुरुआत करेंगे, आखिर वो कौन होंगे, जिससे हमें ये अंदाजा लगेगा कि क्या इन टीमों का भी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो शानदार और जानदार है या फिर वही है। तो आओ भाई बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट किए बिना हम देखते हैं कि आखिर हर टीम के बेस्ट ओपनर्स यहां पे कौन होने वाले हैं। उसके बाद आप लोग मुझको बताइएगा कि किस टीम के पास औरों के कंपैरिजन में सबसे जबरदस्त ओपनर्स हैं। शुरू करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। जब बात आ जाती है चेन्नई यानी सीएसके की, तो यहां पे हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना पड़ता है कि आईपीएल 2024 में इनके ओपनर्स कौन होंगे, क्योंकि जवाब बहुत ही आसान सा है। इनके ओपनर्स वही होंगे जो पिछले 21 सीजन से लगातार अच्छा कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं, शुरुआत में लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ की। हमें यह कहने में भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि यह जो ओपनिंग जोड़ी है यह आईपीएल इतिहास की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल ओपनिंग जोड़ी है। मतलब आंख बंद करके आप इन पर भरोसा कर सकते हैं कि ये कितने भी बड़े टारगेट को आसानी से चेस कर सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये रन तो मारते ही मारते हैं, लेकिन बहुत कम रिस्क लिए बिना मारते हैं, जो बाकी टीमों के ओपनर्स में आसानी से देखने को नहीं मिलता है। अब चलें हम अपनी अगली टीम की तरफ, तो वो है नन अदर देन पंजाब किंग्स। देखो पंजाब किंग्स में जब हम ओपनर्स ढूंढ रहे थे तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज थे। एक यहां पे ओपनर बिल्कुल फिक्स था कि शिखर धवन होंगे, लेकिन हम सोच रहे थे कि शिखर धवन के साथ यहां पे प्रभ सिमरन सिंह को उतारा जाए या फिर जॉनी बेस्टो को उतारा जाए, क्योंकि पिछले सीजन में बहुत से मैचेस में धवन के साथ हमें प्रभ सिमरन सिंह ही देखने को मिले थे। लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार, जब बेस्टो आपकी टीम में है तो धवन के साथ बेस्टो को ही आना चाहिए, क्योंकि ये जो ओपनिंग जोड़ी होगी ना, ये कसम से कुछ भी कर सकती है। धवन के पास थोड़ी सी डिसेंसी है, वो आराम से टिक भी जाते हैं, रन बना भी लेते हैं, और वहीं पे बेस्टो जो है वो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये कूलनेस और डिस्ट्रक्शन का जो मिक्सचर होगा, ये पंजाब की ओपनिंग जोड़ी को बहुत ज्यादा मसालेदार बनाता है। बाकी टीमों के ओपनर्स देखने से पहले, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई वहां तो टीमों के ओपनर्स उनको मिल जाएंगे, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे की ओपनिंग कैसे होगी? जैसा मैंने कहा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया का, वहां से उठाइए फ्री प्रेडिक्शन, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है उस पे जाके डीएम कर दीजिए और मस्त प्रेडिक्शंस फ्री में वहां से मांग के, फ्री में, जी हां फ्री में प्रेडिक्शन मांग के, जो भी मैचेस आज के दिन होने हैं उनमें जाके प्रेडिक्शन कर दीजिए मस्त, उसके बाद पैसा ही पैसा कमाइए। हम कमा रहे हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे वो करिए, हमने अपना काम कर दिया है, जो हमें ठीक लगा वो हमने आपको बता दिया है। अब चलें अपनी नेक्स्ट टीम की तरफ, तो वो है गुजरात टाइटंस। और मैं बड़े ही दुख के साथ कहना चाहूंगा कि गुजरात टाइटन की जो ओपनिंग जोड़ी है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होने वाली है, जबकि उनका जो एक ओपनिंग पार्टनर है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि वो पिछले सीजन का ऑरेंज कैप होल्डर है। हां मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि गिल के साथ ओपनिंग कौन करेंगे, तो वैसे अगर पास्ट को देखें तो साहा उनके साथ आने चाहिए, लेकिन जहां इस सीजन में उन्होंने बाय किया है रॉबिन मिंस को, जो कि विकेटकीपर भी है। देखो साहा को कहीं ना कहीं इसलिए भी खिलाया जाता था क्योंकि वो एक विकेटकीपर थे, वरना उनसे बेहतर चॉइसेस गुजरात के पास थी अगर सिर्फ उन्हें एज अ बैट्समैन यहां पे सोचना होता, लेकिन विकेटकीपर बैट्समैन सोचना था तो वो साहा के साथ जाते थे। पर अब जब रॉबिन मिंस को टीम में शामिल कर लिया गया है, जिनके बारे में कहा जाता है कि भैया खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के आसानी से लगाते हैं, तो ऐसे में साहा की जगह मुझे लगता है रॉबिन मिंस ही होंगे जो टीम का हिस्सा होंगे, एज अ विकेटकीपर बैट्समैन खेलेंगे और शुभमन गिल के साथ हमें ओपनिंग करते देखने को मिल सकते हैं। अब ये ओपनिंग जोड़ी कितनी अच्छी साबित होगी, कितनी बुरी साबित होगी, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। गुजरात से आगे बढ़े तो नेक्स्ट टीम है लखनऊ सुपर जायंट्स। यहां पे मुझको ओपनिंग जोड़ी सोचने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहां पे तो ओपनिंग पार्टनर्स केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ही होंगे। हां माना केएल राहुल का बल्ला पिछले सीजन में कुछ खास नहीं कर पाया था, लेकिन फिलहाल केएल राहुल फॉर्म में चल रहे हैं, जिसे देखते हुए हमें ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर केएल राहुल ने अपना फॉर्म T20 में भी दिखा दिया, आईपीएल में भी दिखा दिया, तो पहले तो उनके दरवाजे खुल जाएंगे T20 वर्ल्ड कप के लिए, और सेम टाइम पे वो लखनऊ को अपनी शानदार पारियां खेल खेल के, क्विंटन डिकॉक के साथ बेहतरीन बेहतरीन ओपनिंग में साझेदारियां करके
करके वो लखनऊ को पहली बार आईपीएल का विजेता भी बना सकते हैं। नेक्स्ट टीम जिनके हम ओपनर्स में नजर डालने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इनके ओपनर्स में कुछ दमकम है या नहीं है, तो वो टीम है केकेआर। जब हम इनके ओपनर्स में नजर डालते हैं तो कोई बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद नजर नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी ओपनिंग जोड़ी जो बेस्ट मुझको नजर आ रही थी, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरे दिमाग में आ रहा था, वो था रहमानुल्लाह गुरवास और वेंकटेश अय्यर का। यही लोग पिछले सीजन में कुछ मैचेस में ओपनिंग कर रहे थे और इन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन मुझको नहीं दिख रहा है जो केकेआर के लिए ओपनिंग कर सके। हाँ, अगर इनका विकेट कीपिंग वाला जो इशू है वो सॉर्ट हो जाता और सिर्फ विकेट कीपिंग को सोच के इनको गुरवास को नहीं खिलाना होता, तो ये लोग जेसन रॉय को मौका दे सकते थे और अपनी ओपनिंग जोड़ी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते थे। लेकिन फिलहाल तो इनके पास यही चॉइस मुझको दिखती है कि गुरवास आएंगे, उनके साथ में वेंकटेश अय्यर आएंगे। नेक्स्ट टीम जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान रॉयल्स। और भाई देखो, जब बात आ जाती है राजस्थान रॉयल्स की, तो इनकी ओपनिंग जोड़ी वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग जोड़ी होगी आईपीएल 2024 की, क्योंकि यहां से ओपनिंग करने कौन आते हैं। एक तरफ से जॉस बटलर, जो कि आप जानते ही हैं किस तरीके से अकेले दम पे बवाल काट सकते हैं, और दूसरी तरफ से आते हैं यशस्वी जायसवाल, जिनके बारे में आप फिर से जानते हैं कि उन्होंने पिछले ही सीजन आईपीएल 2023 में किस तरीके से हिटिंग करी थी। जब उनका बल्ला चल रहा था ना, लोग भूल जा रहे थे कि दूसरे एंड पे जॉस बटलर भी खड़ा है। तो राजस्थान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो तो पूरे तरीके से फिक्स है, बटलर और जायसवाल। अब देखो, मैंने कह तो दिया कि बटलर और जायसवाल की जो ओपनिंग जोड़ी है वो आईपीएल 2024 की वन ऑफ द बेस्ट जोड़ी होगी, लेकिन अगली टीम की जो ओपनिंग जोड़ी है वो तो भाई चिल्ला के कहती है, नहीं यार, सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी। क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आरसीबी टीम की, और जब हम सोचते हैं कि आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी यहां पे क्या होगी, तो भाई एक तरफ से होंगे फैफ डुप्लेसिस, दूसरी तरफ से होंगे विराट कोहली। पता है ना पिछले सीजन में इस ओपनिंग जोड़ी ने क्या कमाल कर रखा था, अकेले दम पे भैया ये दोनों ऐसा बवाल काट रहे थे कि लोग ये कह रहे थे भाई इन दोनों को अगर तुमने शुरुआत में आउट कर दिया तो आरसीबी समझ लो गई। लेकिन ये दोनों आउट ही नहीं होते थे, ना डुप्लेसिस आसानी से आउट होते थे, ना कोहली भैया आसानी से आउट होते थे, शतकों की झड़ी लगी हुई थी। तो भाई मेरे हिसाब से जायसवाल और बटलर के कंपैरिजन में कोहली और डुप्लेसिस की जो ओपनिंग जोड़ी यहां पे होने वाली है वो और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लेकिन खतरनाक देखो इससे भी ज्यादा ओपनिंग जोड़ी एक और टीम की हो सकती है, जो कि है नन अदर देन मुंबई इंडियंस। क्योंकि मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी में तो वो सूरमा आते हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन टीम की ओपनिंग जोड़ी में आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा और ईशान किशन की। रोहित शर्मा का ओडीआई क्रिकेट में क्या फॉर्म चल रहा था, हम सब ने देखा है वर्ल्ड कप 2023 में जिस तरीके से वो T20 फॉर्मेट का खेल खेल रहे थे, हम सब ने देखा है। अगर वैसा ही कुछ फॉर्म इनका आईपीएल में कंटिन्यू हो गया, कुछ उसी तरीके से और उतनी ही आसानी से चौके छक्के रोहित भाई साहब के बल्ले से निकलने लगे, और ईशान किशन का भी जो फॉर्म चल रहा है पिछले काफी मैचेस से, बंदे ने एक भी फ्लॉप इनिंग नहीं खेली है। हां, मौका नहीं मिल पाया है क्योंकि जगह अच्छे से नहीं बन पाई है, कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन जितना भी मौका मिला है हर बार डिलीवर करा है। तो यार डुप्लेसिस और कोहली की ओपनिंग जोड़ी को टक्कर देने का पूरा दमखम यहां पे रोहित शर्मा और ईशान किशन की ओपनिंग जोड़ी में है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो भाई जो भी वीडियो देख रहा है, जैसे जैसे मैंने कहा ना हर टीम की ओपनिंग जोड़ी आपको बता रहा हूं, आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस टीम की ओपनिंग जोड़ी आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही है। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि मैंने ओपनिंग जोड़ी गलत बताई है, ये नहीं यार ये ओपनर आएगा, तो वो भी खुल के आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अब देखें अपनी अगली टीम की तरफ कि उनकी ओपनिंग जोड़ी क्या होगी। तो देखो अगली टीम है एसआरएच, और सोचें कि अगर उनकी ओपनिंग जोड़ी यहां पे क्या हो सकती है, तो मैंने तो भाई रखा है मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड को। हम माना मयंक अग्रवाल का जो फॉर्म था पिछले सीजन में बहुत ही ज्यादा खराब था, लेकिन हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत ही शानदार पारियां खेली हैं। बाकी उनके साथ में जब ट्रेविस हेड आएंगे तो क्या बवाल काटेंगे, हम सब ने देखा है, वर्ल्ड कप में भी देखा है। और इस साल तो ट्रेविस हेड ने जहां खेला है, साल 2023 में ट्रेविस हेड ने जहां भी बैटिंग करी है हर जगह डिलीवर करा है, हर जगह बताया है कि भाई सिर्फ किस्मत से रन नहीं पड़ रहे हैं, हमको रन मारने आते हैं, अपनी मर्जी पे चौके छक्के लगाने आते हैं। तो ऐसे में एसआरएच की भी ये जो ओपनिंग जोड़ी है काफी खतरनाक दिखाई पड़ती है। बाकी एट लास्ट
हम देखें अगर दिल्ली कैपिटल्स की तरफ तो इनकी ओपनिंग जोड़ी थोड़ी सी फीकी नजर आती है और सबसे खराब बात यह है कि ज्यादा ऑप्शंस भी ओपनिंग के यहाँ पे नहीं दिखते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे रखा है पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर को। हालांकि पृथ्वी शॉ कुछ खास फॉर्म में नहीं है, डेविड वार्नर वैसे T20 के खतरनाक बैट्समैन नहीं बचे हैं जैसे एक वक्त हुआ करते थे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी इन दोनों ने फॉर्म पकड़ लिया तो भाई इनकी ओपनिंग जोड़ी भी अच्छी खासी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कर सकती है और अच्छे खासे हारे हुए मैचों को जीत में भी कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी ये उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखाई पड़ती है। तो ओवरऑल मैंने आपको सारी ही टीमों की ओपनिंग जोड़ियां बता दी हैं। यहां पे मुझको अगर टॉप 5 टीम चुननी हो जिनकी ओपनिंग जोड़ी मुझे बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अच्छी लगी तो भाई एक चेन्नई होगी जिनकी ओपनिंग जोड़ी डिवॉन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ है, आरसीबी हो गई उनकी ओपनिंग जोड़ी कोहली और डू प्लेसिस है, मुंबई हो गई जिनकी ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और ईशान किशन है, उसके अलावा मैं बात करूं तो एक राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छी है जायसवाल और बटलर की, और पांचवी टीम अगर मुझे शामिल करनी होगी तो मैं यहां पे लखनऊ को पिक करूंगा जिनकी ओपनिंग जोड़ी में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक हैं। खैर आप लोगों के लिए कठिन सवाल यह है कि इन पांचों ही ओपनिंग जोड़ियों में से सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी कौन सी है, जो भी वीडियो देख रहा है अपना अपना वोट कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। बाकी जल्दी से जाके जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से क्या करना है, क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है क्योंकि भाई आज के दिन लगभग 4-5 मैचेस होने हैं, हर मैच की प्रेडिक्शन चाहिए तो सोचने का नहीं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, जाके सिंपली प्रेडिक्शन उठाने का, जितने भी मैच होने हैं उनके लिए टीम बनाने का, प्रेडिक्शन करने का, उसके बाद मस्त पैसा कमाने का, हमारा काम तो बताना आपको बता दिया है, बाकी आपको नहीं कमाना है आपकी मर्जी, जो ठीक लगे वो करिए, हमारा काम तो जैसा मैंने कहा आपको सूचित करना, आपको बताना कि कोई इंसान है फ्री में प्रेडिक्शन दे रहा है, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, बाकी जैसा मैंने कहा आप समझदार हैं अपनी समझदारी का इस्तेमाल करिए, जो ठीक लगे वो करिए, लेकिन वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।